डोगरा डायनेस्टी की शुरुआत कैसे हुई थी और कहां से हुई थी? डोगरा डायनेस्टी थी जिसमें लास्ट महाराजा हरि सिंह जी रहे। जम्मू का जो एक हम कहते हैं जिसको गोल्डन पीरियड, वो महाराजा रंजीत देव के समय का था। पुराने टाइम का जम्मू जो था वो कैसा था दिखने में? पुरानी मंडी हो गए, अलग अलग दरबार थे। पूरे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में दो रियासतें सबसे बड़ी थी, एक थी निजाम ऑफ हैदराबाद और दूसरी जम्मू कश्मीर। में महाराजा हरि सिंह जी की जब शादी हो रही थी गुजरात में, तो वहाँ से हमारे यहाँ डोगरों में सगन आता है लड़के के घर, तो जो सगन आ रहा था तो उसमें फोटोग्राफ है एक पुराना। अब उसमें फोटोग्राफ में पीछे बिल्डिंग्स भी हैं, और बिल्डिंग की क्या शान व शौकत है उस समय की। जम्मू शहर में मैं आपको बताऊँ जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं या शायद बड़े कम लोग जानते हैं, जम्मू में जो सबसे पुराना मंदिर था वो था परमेश्वरी मंदिर, जिसका अभी अस्तित्व नहीं रहा है। मुबारक मंडी में आप देखें, उसकी चार एंट्रेंस थी मुबारक मंडी की। एक तो जो आप पकड़ंगा वाली साइड से जाते हैं उसको बोलते थे घड़ियाल वाली ड्यूटी, क्योंकि उसके सामने बड़ी सी घड़ी लगी हुई है। क्या यही एक रीजन है कि अगर हम लोग कुछ किलोमीटर्स की दूरी पर जाते हैं तो पहनावा अलग हो जाता है, लैंग्वेज अलग हो जाती है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा है। देखिए क्या होता है कि संस्कृति कोई भी होती है वो ज्योग्राफी से जुड़ी होती है। तो आज भी आप अगर रिमोट एरिया में जाएंगे ना, आपको बड़ी सारी चीज़ें जम्मू में ऐसी मिलेंगी जो आपको नेपाल में भी मिलेंगी, जो आपको उत्तराखंड में मिलेंगी। आप सबने नया जम्मू तो देखा है, जिसे हम प्यार से सिटी ऑफ टेंपल्स भी कहते हैं, पर आज हम आप सबको एक ऐसे जम्मू में ले जाएंगे जहाँ पे हमारी एक ऐतिहासिक धरोहरें हैं, जैसे कि मुबारक मंडी, अमर महल और रघुनाथ मंदिर। और इन सब के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं कृपाल सिंह जी। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू जी। सर पहले हम जम्मू से शुरुआत करते हैं। जैसे जम्मू में मैक्सिमम डोगराज वगैरह रहते हैं, तो डोगरा डायनेस्टी की शुरुआत मतलब कैसे हुई थी और कहाँ से हुई थी? देखिए जम्मू का जो इतिहास है ये बहुत ही प्राचीन है, जिसमें कुछ लेजेंड्स भी जुड़े हुए हैं। जैसे जो अभी की हमारी डोगरा डायनेस्टी थी जिसमें लास्ट महाराजा हरि सिंह जी रहे, इनकी जो वंशावली है ये अपने आप को श्री रामचंद्र जी के परिवार के साथ जोड़ते हैं। लेकिन लेजेंड्स और फैक्ट्स भी हमें देखना पड़ते हैं। तो जम्मू के इतिहास में जो एक फैक्ट्स जिनकी हम बात करते हैं, तो वो हम शुरू करते हैं बाहू फोर्ट से। बाहू का किला है, जो वहाँ पर जो बाहू डायनेस्टी थी जिसमें आपके राजा बाहुलोचन और जाम्बुलोचन हुए, जिन्होंने फिर आगे जाके जाम्बुलोचन जी ने जम्मू शहर बसाया, जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है। और उसके बाद फिर ये डायनेस्टी आगे चलती है, लेकिन बीच में एक ऐसा पीरियड आता है जो लगभग आपका 14वीं शताब्दी तक, क्योंकि जो बाहुलोचन का पीरियड है वो आपका BC में चला जाता है, यानी कि लगभग आज से आप कोई 3000 साल पहले लगा लीजिए। उसके बीच का इतिहास जो किसी ने आज तक उस पर रिसर्च वगैरह नहीं किया जी। उसके बाद हम आ जाते हैं, जम्मू का इतिहास शुरू हो जाता है आपका 14वीं शताब्दी के मध्य से। उसमें एक बड़े इम्पॉर्टेंट राजा हुए जिनका नाम था राजा मालदेव। तो उस समय जो जम्मू था आपका, जो किशनपुर मनवाल है अभी, उधमपुर से जब आप बाहर के धार रोड से कठुआ की तरफ जाएं तो बीच में एक स्टेशन आता है किशनपुर मनवाल, उसका पुराना नाम है बबोर। और ये बड़ी ऐतिहासिक और हमारी पौराणिक बातें हैं जिन पे रिसर्च किया जाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो बबोर एक जगह है, वो अर्जुन के एक पुत्र हुए हैं बब्रुवाहन, वो उनकी राजधानी थी, फिर उनका वंश आगे चला होगा। तो 14वीं शताब्दी के मध्य में राजा मालदेव जो हैं वो बबोर से आते हैं और जम्मू में आके अपना छोटा सा राज्य स्थापित करते हैं। तो पुरानी मंडी जो है हमारी जम्मू में, उसका जो चौक है वहाँ पर वो अपना छोटा सा पैलेस बनाते हैं जिसको बारादरी बोलते हैं। और हिस्टोरिकली जो जिसको हम कहते हैं ना रिटर्न हिस्ट्री, वहाँ से राजा मालदेव से आगे उनकी डायनेस्टी चलती है। और ये डायनेस्टी बोली जाती है देव डायनेस्टी, क्योंकि इसके जो भी राजा थे ये अपने साथ देव लिखते थे। ये आपकी डायनेस्टी आती है 1812 तक। इस डायनेस्टी में राजा मालदेव एक बड़े इंपॉर्टेंट रूलर हुए, उनके साथ बड़ी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। उसके बाद नेक्स्ट इनके साथ आते हैं जो इम्पॉर्टेंट राजा थे, वो थे राजा ध्रुवदेव। राजा ध्रुवदेव वो राजा थे जिन्होंने जम्मू में जो हमारा एक विशाल राजमहल का कम्प्लेक्स है, मुबारक मंडी जिसको बोलते हैं, उन्होंने 1710 में मुबारक मंडी कम्प्लेक्स की कंस्ट्रक्शन शुरू की थी। उसके बाद आते हैं राजा रंजीत देव, जिनको हम महाराजा रंजीत देव कहने लगे,
जम्मू का जो एक हम कहते हैं जिसको गोल्डन पीरियड, वो महाराजा रंजीत देव के समय का था। बाकी ये सभी राजा थे वो महाराजा इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने आसपास अपने जितनी भी छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटी थी, छोटे छोटे रजवाड़े थे, उनको इकट्ठा किया और पूरा एक जम्मू का जो साम्राज्य था वो बनाया, तो वो महाराजा रंजीत देव हुए। उस समय क्या हो रहा था, वो समय ऐसा था कि जो हमारा मध्य भारत है, सेंट्रल इंडिया, यहाँ पर काफ़ी आक्रमण हो रहे थे। तो बड़े सारे जो व्यापारी वर्ग था और कलाकार जो थे वो क्या पहाड़ों की तरफ आ रहे थे, क्योंकि देखिए हर इंसान को किस बिजनेस करने के लिए या आपने कुछ क्रिएट करना है, कलाकार हैं आप, आपको बड़ा के पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए, तो इस सब लोग पहाड़ों की तरफ धीरे धीरे आ रहे थे, जिसमें आपका जम्मू भी है, आपका हिमाचल है। अब जम्मू का काफ़ी सारा इलाका जो है मैदानी है, अगर आप कठुआ से आएँ और अखनूर तक काफ़ी सारा मैदानी है, तो यहाँ भी उनके अटैक धीरे धीरे हो रहे थे। तो काफ़ी सारे लोग थे, एक तो वो जम्मू के इंटीरियर पहाड़ों की तरफ चले गए, जिसमें आपका मनकोट है, बिलावर है, आपका बसोली है, आपका बनी है, और साथ में लगते हिमाचल के एरिया में जिसमें आपका कांगड़ा है, गुलेर है, चंबा। सर, इससे ही क्वेश्चन मेरा है आपके बात से कि जैसे आपने कहा कि अटैक्स होना शुरू हो गए, तो क्या यही एक रीज़न है कि अगर हम लोग कुछ किलोमीटर्स की दूरी पर जाते हैं तो पहनावा अलग हो जाता है, लैंग्वेज अलग हो जाती है, खान पान अलग हो जाता है, तो क्या ये एक रीज़न है इसका, क्योंकि अटैक्स हो रहे थे, बाहर से लोग जम्मू की तरफ आ रहे थे, तो उसकी वजह से जो डोगरी के डायलेक्ट्स हैं वो भी बदलते जा रहे थे, और उसको बोलने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, रहने का तरीका, क्या ये एक आर्कोलॉजिकली अगर हम प्रूव करें तो क्या ये एक रीज़न है उसका? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा है। देखिए क्या होता है कि संस्कृति कोई भी होती है वो ज्योग्राफी से जुड़ी होती है। अगर आप डिटेल में स्टडी करें तो अब देखिए जो मैदानी इलाकों के लोग हैं वो कुछ अलग तरह का ड्रेस पहनते हैं, पहाड़ों में अलग है क्योंकि वहाँ ठंड होती है, या पहाड़ हैं, या आपका कामकाज कैसा है। तो क्या है, जो पहाड़ में अगर आप देखें, ये ऐसा नहीं है जम्मू की बात नहीं है, पहाड़ आप देख लीजिए, जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल, इंक्लूडिंग नेपाल, रिलीजन वाइज मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ जैसे यहाँ हिंदुइज्म में बिलीव करने वाले लोग हैं, तो आज भी आप अगर रिमोट एरिया में जाएंगे ना, आपको बड़ी सारी चीज़ें जम्मू में ऐसी मिलेंगी जो आपको नेपाल में भी मिलेंगी, जो आपको उत्तराखंड में मिलेंगी, जो आपको बनी बसोली के पहाड़ों में मिलेंगी। हाँ जी, तो जो पहाड़ी, इसको हम ऐसा कह सकते हैं जैसे हमारे आर्ट में है पहाड़ी आर्ट, ऐसे है पहाड़ी कल्चर, पहाड़ी खाना, पहाड़ी बोलियाँ। तो ये जो आप डायलेक्ट की बात कर रहे हैं ना, एक किसी समय में एक कोई एक ऐसी भाषा रही होगी जो सब बोलते होंगे, बट फिर जैसे होता है बाहर के लोग आते हैं, मदर लैंग्वेज में चेंज होना शुरू हो गया, थोड़ा वो ऐड कर लेते हैं, बट थोड़ा सा, क्योंकि उनको ज़्यादा वही बोलना पड़ता है जो वहाँ के लोकल लोग बोलते हैं। फिर अल्टीमेटली अब जैसे मान लीजिए कोई सेंट्रल इंडिया से आया है, वो वहाँ यहाँ पर आके ना वो ड्रेस कोड में तो सर्वाइव नहीं कर सकता, अब उनको ड्रेस कोड हो गया, वो खाना, वही भाषा उनको अडॉप्ट करना पड़ती है, तो अल्टीमेटली फिर समय के साथ वो भी वैसे ही बन जाते हैं, पर थोड़ा सा यहाँ उनका अपना ग्रुप रहता है, अगर वो 100 परिवार है और यहाँ वो रहते हैं तो थोड़ा सा वो डायलेक्ट चेंज हो जाता है, क्योंकि अपने शब्द रहते हैं उनके बीच में। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ज्योग्राफी एक रोल प्ले करती है कल्चर के लिए। तो इसके साथ जैसे मैंने बात की, एक तो ये हुआ आपका, दूसरा आप देखिए जम्मू में जो एक बड़ी फेमस आर्ट हमारा रहा है वो रहा है मिनिएचर पेंटिंग्स। तो मिनिएचर पेंटिंग्स आप देखिए जम्मू में, आपका जैसे मैं बसोली का नाम लेता हूँ, हालांकि और भी स्कूल थे जम्मू में, बट बसोली है, अभी उसको GI टैग भी मिला है। बसोली के साथ में आपका कांगड़ा है, चंबा है, गुलेर है, मनकोट है, तो ये सारे स्कूल ना जब पहाड़ों में पहुँच गए ना आर्टिस्ट, तो यहाँ उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी। राजस्थान में भी ये काम हो रहा था, क्योंकि राजस्थान में क्या, वहाँ अटैक रिपल्स हो रहे थे, युद्ध चल रहे थे, और दूसरा ये था कि रूलर का बड़ा इनको सपोर्ट चाहिए, क्योंकि कोई ऐसे रेगुलर जॉब नहीं थी, तो रूलर का सपोर्ट चाहिए उनको कि हाँ भाई हमें ये काम करना है, तो हमारा जो है आजीविका यहाँ से चलती रहे, तो हम काम करते रहेंगे। इस तरह से हमारा एक तो यहाँ बिजनेस भी फ्लोरिश किया और दूसरा हमारा आर्ट भी फ्लोरिश किया, और जैसा मैंने आपको बताया ये बड़ा सारा काम हुआ महाराजा रंजीत देव के शासनकाल में। फिर अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि उसके बाद जो उनके आगे रूलर जो आए, वो चूँकि उनके समय में बड़ा फ्लोरिश हुआ, आराम तल भी हो गई हर तरफ शायद, तो फिर आगे थोड़ा वीकनेसेस आती गई, आते आते 1812 तक फिर उनके जो लास्ट रूलर थे देव डायनेस्टी के राजा जीत सिंह या जीत देव, वो बड़े वीक रूलर थे। उस समय पंजाब में भी पावर राइज कर रही थी महाराजा रंजीत सिंह जी, तो उनका इन्फ्लुएंस भी यहाँ होने लगा। बाय द टाइम जो हमारे आने वाले महाराजा थे
महाराजा गुलाब सिंह जी, महाराजा सॉरी उनके भाई सुचेत सिंह जी और ध्यान सिंह जी, ये तीनों भाई और इनके पिताजी किशोर सिंह जी, ये भी लाहौर दरबार की सर्विसेज में थे। तो जैसे महाराजा रणजीत सिंह एक्सपैंड कर रहे थे तो उनका ध्यान जम्मू की तरफ भी गया। तो फिर 1812 के बाद यहाँ एक्चुअली जो देव डायनेस्टी है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाती है। उसके बाद 10 साल यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन रहती है लाहौर दरबार की, और 1822 में फिर गुलाब सिंह जी को यहाँ का राजा नियुक्त किया जाता है, जो कि आप सब जानते हैं अखनूर में दरिया चनाब के किनारे जिया पोता वृक्ष के नीचे उनका राज तिलक किया गया था। वहाँ से जो डायनेस्टी चलती है दैट इज़ डोगरा डायनेस्टी। और हम जब देव डायनेस्टी और डोगरा डायनेस्टी की बात करते हैं तो एक पीरियड हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि वो देव डायनेस्टी 1812 तक आई, और फिर 1822 से आगे 1947 तक डोगरा डायनेस्टी, क्योंकि डोगरा डायनेस्टी मींस महाराजा गुलाब सिंह से लेके महाराजा हरि सिंह तक। अब ये जो डोगरा डायनेस्टी है ये भी देव डायनेस्टी ही है, क्योंकि इनका जो वंश वृक्ष है ना ये वहीं से आ रहा है। अब जैसे हमारे यहाँ क्या डोगरी में हम शब्द यूज़ करते हैं बिरादरी है ना, या शरीक, जैसे मेरा वंश चल रहा है, किसी वजह से नहीं चला तो मेरा भाई है, उसके बच्चे हैं, उन्होंने किसी तरह से राजपाट ले लिया, बट क्या होता है देवर नोन एज डोगरा ब्रदर्स। पंजाब दरबार में तीनों भाई डोगरा ब्रदर्स के नाम से जाने जाते थे। तो फिर वो डोगरा शब्द ऐसा था कि जैसे डोगरा को राज मिल गया, डोगरा राजा, डोगरा राजे, तो ये एक अलग हो गया जी, फिर डोगरा डायनेस्टी इनको कहने लगे। और ये तीनों भाई जो थे महाराजा गुलाब सिंह जी, राजा सुचेत सिंह और राजा ध्यान सिंह जी, ये बड़े पावरफुल थे वहाँ महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में। हालांकि इन्होंने शुरुआत जो थी बड़ी छोटी सी नौकरी से शुरू की थी, लेकिन अल्टीमेटली ये बड़े पावरफुल थे वहाँ पर जी। और महाराजा रणजीत सिंह जी उनकी बड़ी मेहरबानियाँ रही हैं जम्मू के लोगों के ऊपर, जम्मू की जो यहाँ पर शासन था महाराजा गुलाब सिंह जी का, और उनकी वजह से इन्होंने भी फ्लोरिश किया। लेकिन इन्होंने भी अपना पूरा महाराजा रणजीत सिंह जी जब तक जिंदा रहे पूरी वफादारी निभाई। फिर उनकी कुछ अलग कहानियाँ हैं जो बड़ी डिटेल हिस्ट्री में आप सुन सकते हैं। तो ये मोटी मोटी जो हिस्ट्री है, महाराजा गुलाब सिंह जी थे, उनके बाद महाराजा रणवीर सिंह जी आए, उनके बाद फिर महाराजा प्रताप सिंह जी आए, फिर महाराजा प्रताप सिंह जी अपनी औलाद नहीं हुई, हालांकि उन्होंने 4 शादियाँ की थी। फिर उनके भाई थे राजा अमर सिंह जी जी, फिर उनके बेटे थे हरि सिंह जी, तो फिर वो यहाँ के महाराजा बने और 1947 तक वही यहाँ पर महाराजा रहे जी। बट सर आपकी जैसे कि आपके हिसाब से जो डोगरा डायनेस्टी रही है उसमें सबसे ऐसा रूलर कौन था जिसके जिसके हिसाब से मतलब कल्चरली बहुत मतलब ग्रो करा जम्मू जी? देखिए कल्चर मैं दो तरह से कहता हूँ, एक तो है कि जो हमारा कल्चर सर्वाइव कर रहा था, आर्ट कल्चर जिसमें आपका रिलीजन है, आपके ट्रेडिशंस हैं, वो महाराजा रणवीर सिंह जी के समय में काफ़ी उन्होंने उसको पैट्रोनाइज किया। फिर हम आते हैं कि जब गवर्नमेंट उनके सेटअप क्रिएट करती है, डिपार्टमेंट्स क्रिएट करती है, तो उसमें महाराजा प्रताप सिंह जी का रोल रहा है। हमारा जो श्रीनगर में म्यूज़ियम है SPS म्यूज़ियम, वो आपका 1898 में वो बनाया था, जिसको हम जम्मू कश्मीर में पहला पब्लिक म्यूज़ियम कहते हैं। अभी इस साल उसको पूरे 125 साल हो गए हैं बने हुए। वो था स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, उन्होंने बनाया था सन 1902 में। तो ये बड़े ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो हिंदुस्तान में कहीं कम जगह बने थे। तो इन बातों को अगर हमारे बच्चे हमारी हिस्ट्री जाने कि किसी समय में हालांकि हमारा जो प्रदेश था दैट वाज नॉट पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, लेकिन हमारे यहाँ बड़ा एक अच्छा सेटअप था एडमिनिस्ट्रेशन का, बड़ा अच्छा सेटअप था, काम होते थे। बट अनफॉर्चुनेटली फिर ऐसा होता है कि कई चीज़ें कुछ राजनीति आप मान लीजिए या कुछ कई चीज़ें वो दबा दी जाती हैं कि भाई वहाँ कुछ ऐसा नहीं था, ये हम कर रहे हैं, जो कैसे राजनीति भी इस तरह से होती रही है और अभी भी हो रही है। बट अल्टीमेटली ये है, इतिहास को लेके कभी राजनीति नहीं होनी चाहिए। इतिहास समाज को, बच्चों को, विद्यार्थियों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जो इतिहास है। उसके आगे सर एक चीज़ और है, हिस्ट्री की बात करें हम लोग तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो मैं जानना चाहती थी। हम लोगों ने पिक्चर्स में देखा है कि किंग का कोर्ट कैसा रहता है, और हरि सिंह जी के टाइम पर बहुत सी ऐसी पिक्चर्स है जो कि ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में हमें देखने को मिलती है कि कोर्ट कैसे सेटअप रहता है। और जब आपने और आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ज्वाइन किया और आप मुबारक मंडी में थे, तो उस समय आप किस तरीके से उसको डिपिक्ट करेंगे अपने वर्ड्स से कि जो कोर्ट था एक्चुअल में उसकी क्या इमेज थी, पुराने टाइम का जम्मू जो था वो कैसा था दिखने में, पुरानी मंडी हो गए, अलग
अलग दरबार थे और हर जगह से जो है अलग तरीके से एंट्रेंस होती थी जम्मू शहर में, तो उसके बारे में आप थोड़ा हमें डिटेल में बताओ जी। देखिए जम्मू शहर जो उस समय था, जम्मू रियासत बहुत बड़ी थी, पहली बात है मैं आपको बता दूँ, पूरे इंडिया में पूरे हिंदुस्तान में दो रियासतें सबसे बड़ी थी, एक थी निज़ाम ऑफ हैदराबाद और दूसरी जम्मू कश्मीर। ये इतनी बड़ी रियासतें थी कि अंग्रेज़ भी सोचते थे कि यार अगर हम इसको किसी तरह से हथियार भी लें तो इसको मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ऊपर से पूरा पहाड़ी इलाका है। मैं जब मुबारक मंडी में गया तो हालांकि बचपन में हम वहां काफ़ी शरारतें करते थे जाके, पता नहीं था यहां नौकरी भी करेंगे, जब मैं गया तो वहां कुछ ऐसा मैंने फील किया, कभी घूमते कभी डिपार्टमेंट के काम से, कि यहां राजा लोग बैठते थे कैसे बैठते होंगे, कैसे लगता होगा। फिर थोड़ा सा मेरा अपना एक व्यक्तिगत आप इसको शौक जान लें, या मैंने ऐसा समझा कि चूँकि हम एक सरकारी मुलाजिम हैं तो हमारी एक ड्यूटी भी है, फ़र्ज़ भी है, क्योंकि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है ना, दिस इज़ नॉट एन ऑर्डनरी डिपार्टमेंट कि तुम दफ्तर बेहिया जाइए तो कागज ले आते फाइल ले चार बजे उठिए आइए। ये आप अपनी हेरिटेज अपनी आइडेंटिटी को प्रिजर्व कर रहे हैं, तो आपको कुछ ना एक्स्ट्रा करना पड़ता है और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें भी जानने को मिलती जी। तो फिर मैंने ऐसा किया कि मैंने कुछ पढ़ाई की, जो हमारे पास रिकॉर्ड था, कुछ लोगों से जाना, तो मैंने एक हिस्ट्री क्रिएट की मुबारक मंडी की, और उसके साथ मैंने वहाँ पर एक एक्टिविटी शुरू की कि मैंने स्कूल कॉलेज के बच्चों को इनवाइट किया, जो हमारे टूरिज्म में काम करने वाले लोग हैं उनको इनवाइट किया, तो हमने वहाँ एक हेरिटेज वॉक्स की एक्टिविटी शुरू की और कुछ पुराने फोटोग्राफ्स इकट्ठे किए। अब उसी महल में खड़े होके, यहाँ अभी कुछ नहीं है, वहाँ आप वो फोटोग्राफ देखते हैं जब वहाँ कुछ होता था, तो आप एक विजुलाइज कर देते हैं कि यार ये कैसा होता रहा होगा। जैसे मान लीजिए एक फ़ोटोग्राफ है जिसमें महाराजा हरि सिंह जी की जब शादी हो रही थी गुजरात में, तो वहाँ से हमारे यहाँ डोगरों में सगन आता है लड़के के घर, तो जो सगन आ रहा था तो उसमें फ़ोटोग्राफ है एक पुराना। अब उसमें फ़ोटोग्राफ में पीछे बिल्डिंग्स भी हैं और बिल्डिंग की क्या शान व शौकत है उस समय की, वो जब आप फ़ोटोग्राफ बच्चों को दिखाते हैं ना और जब इशारा करते हैं कि ये है जी वो बिल्डिंग और ये है वो फ़ोटोग्राफ, तो थोड़ा सा ऐसे सोच सकते हैं कि ये कैसा रहा होगा उस समय, कितना भव्य रहा होगा, कैसा होता होगा। मुबारक मंडी में आप देखें उसकी चार एंट्रेंस थी मुबारक मंडी की, एक तो जो आप पकड़ंगा वाली साइड से जाते हैं उसको बोलते थे घड़ियाल वाली ड्यूटी, क्योंकि उसके सामने बड़ी सी घड़ी लगी हुई है। ये नाम इसलिए थे क्योंकि पैलेस में डिप्लॉयमेंट रहता था, चूँकि आर्मी हेडक्वार्टर था वहाँ पर और महाराजा अंदर रहते थे तो वहाँ पर गार्ड रहते थे। अब गार्ड कौन सी ड्यूटी पे ड्यूटी दे रहा है, तो सभी ड्यूटियों के नाम थे। तो ये थी आपकी घड़ियाल वाली ड्यूटी। पंचतीर्थी वाली साइड में भी ड्यूटी थी जो लगभग 60 साल पहले टूट गई। एक पकीडकी वाली साइड ड्यूटी थी, ठीक है, और एक ड्यूटी अंदर जाने के लिए थी जहाँ राजा के पैलेस थे, उसका नाम था तोते वाली ड्यूटी। तो बड़े ऐसे इंटरेस्टिंग नाम थे और एक्चुअली वहाँ महाराजा प्रताप सिंह जी ने वहाँ तोते और बतखें ऐसे रखी हुई थी, वो शौकीन थे इन चीज़ों के। फिर उसके आगे एक ड्यूटी थी जो आपके जो लेडीज़ ऑफ द रॉयल पैलेस थी, रानियाँ महारानियाँ वहाँ, तो उसको ड्यूटी मुबारक बोलते थे। उसके आगे जो देव डायनेस्टी हमारी थी उनके एक राजा थे ब्रजराज देव, वो भी बड़े फेमस राजा हुए, उनकी ड्यूटी थी क्योंकि वो एक पोर्शन था जो मुबारक मंडी का जो देव डायनेस्टी के समय बना था। मुबारक मंडी की कंस्ट्रक्शन जैसा मैंने आप शुरू में बताया देव डायनेस्टी ने शुरू की थी, लेकिन अभी जो आप मेजर बिल्डिंग्स वहाँ पर देखते हैं वो फिर महाराजा ये जो डोगरा पीरियड आ गया, महाराजा रणवीर सिंह जी ने, महाराजा प्रताप सिंह जी के उनके भाई अमर सिंह जी ने, राम सिंह जी ने, वो सारी उन्होंने बनाई है अभी। सर ये बिल्डिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन है मेरा कि जब हम मुबारक मंडी जाते हैं तो मुबारक मंडी की छत पे हमें बहुत ऐसे टेक्नोलॉजिकल चीज़ें देखने को मिलती हैं कि सोलर पैनल्स लगाए गए, उस समय किस तरीके से महल में लाइट आए, और जब हम अमर पैलेस जाते हैं वहाँ पर हमें लिफ्ट देखने को मिलती है। तो जब आर्कियोलॉजिकली स्टडी करने जाते हैं इन चीज़ों को, तो उस टाइम की टेक्नोलॉजी उस समय जो इस्तेमाल की जाती थी वो किस तरीके से रहती थी, क्योंकि तब बहुत कम लोग थे जो कि टेक्नोलॉजिकली साउंड थे, लेकिन फिर भी इन महलों में हमें एग्जाम्पल्स देखने को मिलती है कि उस समय भी जम्मू में कहीं ना कहीं महलों में जो टेक्नोलॉजी है वो यूज़ की जाती थी। जी जी देखिए उस समय ऐसा हो रहा था कि अंग्रेज़ थे हिंदुस्तान में और टेक्नोलॉजी वो लाए थे क्योंकि टेक्नोलॉजी बेचनी थी। एक्चुअली सारा ये बाज़ारवाद जो है ना उस समय शुरू हो गया था कि हमें ये चीज़ बेचनी है, हिंदुस्तान की चीज़ लेनी है, उसको रिफ़ाइन करना, फिर हिंदुस्तान को बेचनी है। मुबारक मंडी में दो बड़ी इंटरेस्टिंग आर्किटेक्चर के फ़ीचर हैं। एक वहाँ बंदराली पैलेस है, रानी बंदराली का पैलेस है, उसकी जो छत है वो पूरी छत जो है उसके ऊपर घड़े जो है बड़े बड़े मटके वो उल्टे करके रखे हुए हैं, फिर फिलिंग की है, फिर छत बनाई हुई है।
वो क्या है कि एक तो आपको कमरा पूरा साउंड प्रूफ हो जाता है और दूसरा वो हीट प्रूफ हो जाता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वहाँ पर। और जब आप अंग्रेज़ों की तरफ आ गए तो उन्होंने क्या किया कि छत की हाइट बढ़ा दी। वो भी वही काम कर रहे हैं कि आवाज़ जो कमरे में, जैसे हम डिस्कशन कुछ कर रहे हैं तो ऊपर कोई सुने ना, बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होती थी, सीक्रेट डिस्कशंस होती तो कोई ऊपर सुने ना। दूसरा, हाइट ऊपर कर दी छत की कि गर्मी ना रहे कमरे में, तो उन्होंने उस तरह से वो टेक्नोलॉजी यूज़ की। फिर अब लगा कि अंधेरा है तो उन्होंने ऊपर पैनल लगा दिया ग्लास का एक, कि रोशनी रहे यहाँ पर। तो उनकी टेक्नोलॉजी इस तरह थी कि जितना मैक्सिमम मशीन मेड चीज़ों का यूज़ हो सकता है वो हो जाए, तो बिल्डिंग की कॉस्ट बढ़ जाए। तो हमारी जो टेक्नोलॉजी थी वो थोड़ी देसी टाइप थी, काम वही करती थी देसी टाइप, देसी तरीके से क्या काम हो सकता है और हमारे जो विसिनिटी में आसपास क्या मटेरियल अवेलेबल है। और ये चीज़ महलों में नहीं, ये आम लोग भी वही टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे कि आप जहाँ पर घर बना रहे हैं, कोई भी चीज़ बना रहे हैं, उसके आसपास जो मटेरियल अवेलेबल है, नेचुरल मटेरियल, उसकी लाइफ भी बड़ी ज़्यादा होती थी, वही वो यूज़ कर लेते थे और अपना काम कर लेते थे। वो टेक्नोलॉजी आज भी जब हम कि रिमोट एरिया में सर्वे वगैरह के लिए जाते हैं तो देखते हैं अभी टेक्नोलॉजी वो यूज़ हो रही है। यहाँ पर जैसे आपकी सड़क नहीं पहुँची है, वहाँ आप इस तरह का मटेरियल नहीं ले जा सकते और सब लोग इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते कि आप दो ट्रक ईंट लेके वो 200 किलोमीटर दूर रामनगर के किसी पहाड़ में ले जाएं, उतने पैसे में उनका घर बन जाता है पूरा। तो इस तरह की सारी चीज़ें थी। और अंग्रेज़ों का ये था ना कि जैसे हमारे राजा लोग थे, जब इनकी मीटिंग्स होती थी अंग्रेज़ों की, तो स्टेट्स के महाराजा गए होते थे वहाँ पर, तो इनकी कंस्ट्रक्शन देखते थे, तो ये भी चाहते थे कि हमारे यहाँ भी कुछ नई इस तरह की कंस्ट्रक्शन हो जाए, या हम पैलेस बनाएंगे तो इस तरह का बनाएंगे। जैसे आपके पास एग्जांपल है अभी अमर पैलेस जो है, ये पूरा फ्रेंच आर्किटेक्चर है आपका, तो इस तरह की चीज़ें ये भी चाहते थे। और हमारी स्टेट उस समय काफ़ी पैसे वाली स्टेट थी। हाँ, और इसका एक मुख्य वजह, मैं पैसे के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, हमारे पास लैंड बहुत ज़्यादा था और आबादी बहुत कम थी, तो जिसके पास अदरवाइज पैसा नहीं था, ज़मीन बड़ी थी, आप खेती बाड़ी करके आराम से अपना पेट पाल सकते थे। और वो थोड़ा सा जो सोच है ना, वो अभी भी चल रही है। हमारे लोग ना थोड़ा ऐसे लो प्रोफाइल काम कम करते हैं अभी भी। जी तो सर, एक मेरा कुछ अलग सवाल है कि जम्मू कश्मीर सबसे पुराना जो मंदिर है वो कौन सा है? देखिए, आर्कियोलॉजी के लिए अगर आप बात करें और आप जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो कश्मीर में तो एक नहीं, काफ़ी मंदिर हैं जो कि ललितादित्य के समय में बने हैं, काफ़ी हैं, उनका इन्फ्लुएंस जम्मू में भी रहा है। जैसे पुंछ का एरिया, वहाँ पर भी ऐसे मंदिर हैं और आर्किटेक्चरली जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में सबसे पुराने मंदिर हैं। फिर मंदिरों के अलावा एक चीज़ होती है जिसको हम आर्कियोलॉजी में कहते हैं साइट। उसमें आपको कुछ कंस्ट्रक्शन तो नहीं मिलती, लेकिन ऐसा दिखता है कि यहाँ लोग रहते होंगे किसी समय, ठीक है ना। तो उसमें एक तो सबसे पुरानी जो साइट है वो बुर्जा होम है कश्मीर में जी। उसके बाद जैसे आपके अखनूर में मांडा एक जगह है, जो अखनूर फोर्ट है उसके आसपास के एरिया को मांडा बोलते हैं, तो वहाँ पर भी एक्सकवेशन हुई है और जो आपका हड़प्पा मोहनजोदारो में आर्टिफैक्ट मिले हैं वो वहाँ पर भी मिले हैं। अब आती है बात आपकी, कहीं कोई जो लोग रहते थे तो वो भी आपको अखनूर में साइट मिलती है जिसको हम अंबाराम बोलते हैं, हालांकि वो बुद्धिस्ट साइट है, वो भी लगभग 1500-1800 साल पुरानी साइट है, वो अभी भी उसके रेमिनेंट्स मिले हैं। और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वहाँ एक्सक्यूशन करते रहे, बट अभी कुछ 12-15 साल पहले वहाँ अल्टीमेटली उनको स्तूपा मिला, जो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट जगह होती है बुद्धिस्ट साइट में। जम्मू शहर में मैं आपको बताऊं जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं या शायद बड़े कम लोग जानते हैं, जम्मू में जो सबसे पुराना मंदिर था वो था परमेश्वरी मंदिर, जिसका अभी अस्तित्व नहीं रहा है। हाँ, आप कुछ ऐसे निशान देख सकते हैं बट उसका अस्तित्व नहीं रहा। वो कहाँ पे? बदकिस्मती से, हाँ जी, बदकिस्मती से कुछ ऐसा मैंने महसूस किया कि हमारे सरकार की तरफ से जितने भी अदारे हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट हैं, कल्चर एकेडमी है या बाकी जो भी अदारे हैं, इनको थोड़ा मिलकर काम करना चाहिए कि जम्मू का जो एक आर्कियोलॉजिकली फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड एक हिस्ट्री जो है वो बनाई जा सके। आपका परमेश्वरी मंदिर जो आपका पीरखो मंदिर को रास्ता जाता है, वहाँ पर उस डक्की जो पैदल डक्की है उसको बोलते हैं परमेश्वरी डक्की, इसकी बड़ी पुरानी हिस्ट्री है। और इसके साथ में जो आपका पुरमंडल में मंदिर है ये भी बहुत पुराना है। आप जम्मू के अंदर परमेश्वरी मंदिर और जम्मू के बाहर जो आपका पुरमंडल वाला मंदिर है, मेन टेंपल, ये जम्मू के सबसे
पुराने मंदिरों में है, सबसे पुराने मंदिरों में, और कम से कम मैं ऐसा मानता हूँ कि ये 1000 साल पुराने हैं। जी बिल्कुल। एक सर लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा, हिंदुइज्म यानी कि जो हम पुरानी हमारी कहानियाँ हैं जो हिंदू कल्चर से जुड़ी हैं, उसका और जम्मू का बहुत पुराना नाता है। आर्कोलॉजिकली अगर हम देखा जाए तो क्या कुछ ऐसे फैक्ट्स मिले हैं, चाहे हम अखनूर में पांडव गुफा की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि पांडव वहाँ पर आकर रुके थे, तो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट इन चीज़ों को किस तरीके से देखता है, क्या ये मिथ्स हैं या फिर इसमें फैक्ट भी है कहीं ना कहीं? देखिए मिथ्स की मैं बात नहीं करता, क्योंकि कुछ ऐसे लेजेंड्स होते हैं जो लोग चूँकि अपने हिसाब से कोई एक कहानी बना लेते हैं, वो कहानी मैं ये ऐसा तो नहीं कहता कि वो पूरा मैथोलॉजी होती है, वो उस कहानी को एक एक नैरेटिव मैं बोलूँगा कि जैसे कोई मंदिर है पुराना, बहुत पुराना मंदिर है, अब जैसे हम कहीं जाते हैं दूर दराज तो उनको जब कुछ समझ में नहीं आता वो कहते हैं ये पांडवों के समय का मंदिर है, किसी एक चीज़ से लिंक कर, हाँ मतलब वो उनका एक वो फिक्स्ड है जिसका उनको कोई डेटा नहीं है ना, वो कहते हैं ये पांडवों के समय का मंदिर है। अब वहाँ चूँकि हमारी गलती ये है कि अगर हम थोड़ा सा पढ़े लिखे थे तो हमें जाके वहाँ थोड़ा रिसर्च करके उनको बताना था, वहाँ पर एक नोटिस बोर्ड लगाना था, या कम से कम जम्मू के जो पूरा रीजन है इसमें हिस्ट्री लिख के पूरी आर्कियोलॉजिकली फैक्ट्स के ऊपर बेस करके ये बच्चों को पढ़ानी है। जी तो आजकल आज की डेट में कौन सा ऐसा गाँव है यहाँ पर स्कूल नहीं है, और कौन सा ऐसा गांव है यहाँ पर लोग पढ़े लिखे नहीं है, सरकारी नौकरियाँ नहीं, और ऑलमोस्ट हर एक जगह अब एक टूरिस्ट जगह बन गई है जहाँ अगर इस तरीके से बोर्ड्स लगाए जाए, उनकी हिस्ट्री बताई जाए तो लोग पढ़ेंगे उसको और प्रमोट भी करेंगे। और टूरिज्म में एक ब्रांच है जिसको हम हेरिटेज टूरिज्म बोलते हैं, वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर होती है। देखिए मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे हमारे बाहू फोर्ट है, बाहू फोर्ट भी है, बाहुलोचन भी है, इसके आगे क्या है और इसके पीछे क्या है कभी किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। मुबारक मंडी हमारे पास है, हमारे पास राजा हुए हैं, इनकी हिस्ट्री है। अब ये बाहू डायनेस्टी है थी, इसका नाम बाहू फोर्ट क्यों है, बाहू कौन था, इसको जानने की कभी किसी ने कोशिश नहीं की। ये ही वो चीज़ें हैं यहाँ एक सरकार को या जो जो भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इसमें रोल प्ले करना है, उनको अपने इंस्टीट्यूशन के लिए, लोगों के लिए और स्टूडेंट्स जो सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे होते हैं उनको इन चीज़ों से रूबरू कराना है कि यहाँ ये चीज़ है, यहाँ हमारी हिस्ट्री है, यहाँ से आगे चलिए, यहाँ यहाँ से पीछे चलिए। देखिए आर्कियोलॉजी जो है ना, आर्कियोलॉजी का जो 80% काम होता है ना वो हमारी हिस्ट्री से नहीं जुड़ा होता है, हैरान की बात ये है। और हम क्या समझते हैं आर्कियोलॉजी इज़ हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी का काम ये है कि हमारी हिस्ट्री नोन क्या है, नोन कर नोन क्या है उसके पीछे जाना है आपने, उसके पीछे प्री हिस्ट्री जिसको बोलते हैं। मुबारक मंडी ठीक है, बाहू फोर्ट ठीक है, आज तक मुझे नहीं लगता कि बाहू फोर्ट को लेके हम इतना सेंसिटिव है कि ये बाहू डायनेस्टी, किसी ने आज तक वहाँ जाके कोई छोटी सी खुदाई नहीं की है, उसके आसपास कोई खोचा नहीं की भाई चलो देखते हैं यहाँ कोई आर्टिफैक्ट मिल जाए हमें तो एक प्रूफ हो जाएगा। वैसे तो लिखा हुआ तो बहुत कुछ है, बट अल्टीमेटली क्या होता है कि हमें कहीं ना इस फील्ड में आगे बढ़ना होता है। आर्कियोलॉजी एक फुल फ्लेज सब्जेक्ट है, और मैं आपको बताऊँ आर्कियोलॉजी ये ऐसा नहीं है, आप जब हेरिटेज की बात करते हैं अब मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से बताना चाहूँगा कि हमारे देश में जो फॉरेन का टूरिस्ट आता है आपको पता है वो किस लिए आता है यहाँ पर, वो हमारे कल्चर के लिए, हमारी हेरिटेज के लिए आता है, वो हमारे हाईवेज बिल्डिंग्स वेव मॉल देखने नहीं आते, उनके पास बड़े बड़े हैं तो हमारे कल्चर को देखने के लिए आते हैं, हमारी हेरिटेज को। बहुत कल्चर ही बहुत ज़्यादा फिट है और बहुत ज़्यादा रिच है, और इतनी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं हमारी यहाँ पर कि मैं आपको बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि हमारे जम्मू में लगभग 100 के करीब फोर्ट्स हैं, लेकिन जो बच्चे इसमें स्टडी कर रहे हैं उनको भी अगर आप पूछें तो 5-6-10 से ज़्यादा नहीं बता पाएंगे वो। तो ये सारी चीज़ें डेवलप करनी है, आपने एक सर्किट क्रिएट करना है। इवन हमारे जो क्रिमची मंदिर हैं, हमारे जो बभोर मंदिर हैं, इतने इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, ये यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाते लोग हमारे, इतनी अच्छी साइट्स हैं। तो ये कुछ ऐसी कोशिश होनी चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूशन की तरफ से या सरकार की तरफ से कि वो बच्चों का कम से कम साल में एक प्रोजेक्ट छोटा सा इसके साथ जोड़ के रखें, ट्रिप रखें उनका, और उनको इस फील्ड में आगे इनकरेज करें, पढ़ाई कराएं, और कहीं ना कहीं छोटी मोटी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें, नहीं तो हमारे बच्चे इस फील्ड में फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ेंगे आगे नहीं जाएंगे।
बिल्कुल सर, आज आपने हमें बहुत अच्छा टाइम ट्रेवल करवाया, जम्मू कश्मीर पुराना कैसे दिखता था और खासकर किंग का कोर्ट कैसा होता होगा, क्योंकि मैं खुद इमेजिन कर रही थी और विजुअलाइज कर रही थी कि जो पिक्चर्स हमने देखी हैं और उसके बाद किस तरीके से एक्चुअल में वो कितना आलिशान होगा सब चीज़ें। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ इस शो में ज्वाइन हुए और आपने बहुत अच्छे से हमें जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री बताई। धन्यवाद जी। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का ये पॉडकास्ट? उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा और काफ़ी कुछ जो है जम्मू की हिस्ट्री के बारे में आपको सीखने को मिला होगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग, नॉलेजेबल एंड इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट के लिए हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।